कयामत की बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि इस वक्त वो कहां है, लेकिन रूए जमीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अचानक अपने सहाबा किराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीम दारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे और एक शिप में कश्ती में सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समुंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूम होने के वक्त एक नामालूम आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें वहां सिया रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं जासूस हूं, तो ताकि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना तुमसे कुछ सुनूंगा, तुम उस बुतखाने में जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से वेट कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहां एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? जवाब दिया कि शाम से आए हैं। उसने पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहां पैदा होना था उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। सहाबा किराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में है और इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई मगर अब तो तमाम अरब पर वो गालिब हो गए हैं। उसने कहा अच्छा, जगर के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा कि उमान और बीसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि उसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूं, कहता है करीब मैं आजाद हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत, वहां जाने की पावर ना होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। बाद रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड मौजूद है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आँख से काना होगा और एक कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, और जबकि उसकी एक आँख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। उसके निकलने से 3 साल पहले से इस दुनिया में खुश्क साली फैल जाएगी, खुश्क साली का गोया साल फैल जाएगा। इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट की साइड से असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक माह के बराबर और अगला दिन एक हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा करेगा। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम को नाजिल फरमाएगा। जब हजरत ईसा अली सलाम इस दुनिया में आ जाएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा, मेल्ट होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है, मेल्ट होता है। आप अली सलाम दज्जाल को मकाम लुद पर कत्ल करेंगे और उसके फॉलोअर्स में से एक भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फितना बहुत शदीद होगा नाजरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।